संचालित स्कूलों को बंद करने का फरमान जारी करने के बाद स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। अभिभावकों का ये आंदोलन आज स्कूल से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर DRM कार्यालय तक पहुंचा। तृणमूल प्राथमिक शिक्षक संगठन प्रदेश अध्यक्ष अशोक रुद्र के नेतृत्व में पहले जुलूस निकाला गया, फिर सड़क जाम किया गया। अभिभावकों ने आसनसोल बाजार GT रोड स्थित ईस्टर्न रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने पहले प्रदर्शन किया, फिर वहाँ से जुलूस लेकर DRM कार्यालय तक गए, जहाँ RPF ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इस दौरान धक्का मुक्की की स्थिति हो गई। बाद में बैरिकेड लगाकर उन्हें रोका गया। नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, उपमेयर अभिजीत घटक और वसीम उल हक और अशोक रुद्र के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल DRM परमानंद शर्मा से मिला और इस संबंध में चर्चा। अशोक रुद्र ने कहा कि रेलवे विद्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक स्कूल है और आसनसोल का पहला बंगला माध्यम स्कूल। जिस स्कूल में 62% से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उन स्कूलों को इस तरह से बंद करना गलत है। भारत के संविधान में बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, लेकिन रेलवे के इस फैसले ने उस अधिकार से इन बच्चों को वंचित किया है। अभिभावकों का कहना है कि इन स्कूलों में रेलवे के ग्रुप डी के कर्मचारियों के बच्चे भी पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी संस्थानों से निजी संस्थान अच्छे होते तो आज IIT, AIIMS या केंद्रीय विद्यालय सर्वश्रेष्ठ नहीं होते। उन्होंने कहा कि चूंकि बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए उनको आशा है कि DRM उनकी बातों को सुनेंगे और इन स्कूलों को बंद होने से बचाएंगे। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 2018 को भारत के दक्षिण रेलवे ने घोषणा की थी कि वह अपने सभी रेलवे स्कूलों को बंद कर रहा है। इस फैसले से तमिलनाडु के 8, पलक्कड़ और केरल के एक एक स्कूल के 6,800 छात्र प्रभावित होते। 16 मई 2018 को दक्षिण रेलवे ने फिर एक घोषणा की कि रेलवे स्कूल छात्रों को प्रवेश देना जारी रख सकते हैं। कुछ स्कूलों को इस शर्त के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई थी कि कक्षाओं में रेलवे कर्मचारियों के 15 से 20 वार्ड शामिल थे। बैठक के बाद DRM परमानंद शर्मा ने कहा कि ये बोर्ड का नीतिगत फैसला है कि रेलवे का मुख्य काम पैसेंजर यातायात और माल ढुलाई का है। इसके अलावा जो भी क्षेत्र रेलवे से संबंधित नहीं है, उन सभी क्षेत्रों को रेल विभाग समेटेगी और अपने प्रमुख सेवाओं की उचित व्यवस्था करेगी। DRM परमानंद शर्मा ने विद्यार्थियों के भविष्य और शिक्षकों के पुनः रोजगार के संबंध में क्या बातें कही, सुने। 200 से ऊपर बच्चा है और जिसका अधिकतर रेलवे एम्प्लॉई का बच्चा है, तो ये स्कूल को बंद करने का एक सिद्धांत लिया। तो ये हम लोग आज DRM साहब को बोले हैं कि ये स्कूल तो कोई दुकान नहीं है कि जब मर्जी आप बंद कर दे। ये बच्चों का भविष्य का बात इसमें जुड़ा हुआ है और आप कृपया ये आसनसोल का जो सेंटीमेंट है, आज देखे हजारों का संख्या में आपका यहाँ अभिभावक लोग भी आए थे, तो ये जो मुद्दा ये आप ऊपर में रेल बोर्ड और मिनिस्ट्री को भेजिए, ताकि रेल का हम लोग देख ले हर जगह में है तो बंद कर रहा उसका यूनिट, नहीं तो बेसरकारीकरण कर रहा। तो रेल का भी शायद इसमें यही है कि आहिस्ता आहिस्ता क्लास वन में बच्चा भर्ती करना बंद कर दिया है, अब आहिस्ता आहिस्ता 3-4 साल बाद इसको बंद कर देगा और उसका बाद देखिए कोई अंबानी या बिरला या किसी को दे देगा। तो इसको हम लोग होने नहीं देंगे, स्कूल को चलाए। रेल देश का लाइफलाइन है, उसका जो सामाजिक कर्तव्य है उसको रेल पालन करे, यही हम लोग का कहना था। DRM साहब बोला मेरा हाथ में तो कुछ नहीं है, आप लोग देखे वो इधर अभिभावकों को भी बोले कि वो याला ऊपर में भेजेंगे। गार्जियंस के पेंटेटिव्स आए थे, उन्होंने अपना कंसर्न बतलाया कि उनके बच्चों को दूसरे स्कूल में ले जाने से उन्हें आर्थिक परेशानी होगी, तो और उन्होंने अपना एक प्रतिवेदन दिया है जिसे मैं अपने उच्च अधिकारियों तक भेज दूँगा। देखिए स्कूल, जहाँ तक मैंने जैसे पहले ही बतलाया कि रेलवे अपने कोर कामों की ओर ध्यान देने की प्रक्रिया में है और स्कूल्स के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, राज्य शिक्षा बोर्ड और बहुत से संस्थान हैं जो स्कूल्स को चला रहे हैं और जो शिक्षा के क्षेत्र में जिनका एक्सपर्टाइज कहें, योग्यता कहें, वो है। तो जिस चीज़ में जो योग्य है उसे वो काम करना चाहिए। तो हटा इस तरह की सोच लाने के पीछे क्या है, जैसे इससे पहले भी तो स्कूल 50 साल के पुराने स्कूल हैं सर। ये देखिए एक कोई हठात सोच नहीं है, ये वर्षों की सोची हुई प्रक्रिया और रेलवे के प्रशासनिक और कार्यकलाप में सुधार के लिए विभिन्न गठित कमिटियों के अनुशंसा के आधार पर ही चीज़ें की जा रही हैं और जब रेल मंत्रालय ने इस पर फैसला किया है तो निश्चित तौर पर बहुत सोच समझ के ही फैसला किया होगा। मैं उस फैसले पर सवाल उठाने के लिए, मतलब सवाल नहीं उठा सकता हूँ।
यूनिवर्सिटी ऑफलाइन नीचे तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्ड अप करो। इन दिनों स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों की कई सारी परेशानियां सामने आ रही हैं। जहां एक तरफ आसनसोल के रेलवे स्कूलों को बंद करने के विरोध में अभिभावकों का हंगामा देखा गया, वहीं आसनसोल के काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के गेट के सामने यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। लेकिन ये विरोध प्रदर्शन ऑफलाइन एग्जाम्स के विरोध में था। दरअसल कोरोना महामारी के समय लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे, लेकिन स्कूल और कॉलेज की ओर से विद्यार्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन क्लासेस करवाए जा रहे थे। परिस्थितियां सुधरने के बाद दोबारा से ऑफलाइन क्लासेस शुरू किए गए और इसके साथ ही ऑफलाइन परीक्षाएं भी की जाने लगी। काजी नजरुल यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी बंद होने के कारण उनके सिलेबस पूरे नहीं हुए हैं, उन्हें पढ़ने के लिए और समय चाहिए, इसलिए उनकी मांग है कि इस सत्र की परीक्षाएं ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन ही की जाए। इस मांग को लेकर विद्यार्थियों ने अपने परेशानी किस तरह से बयां की। जेहेतु म्यूनिसिपालिटी भोट छिलो सेई जन्य आमादेर छुट्टी छिलो, आमादेर क्लास हयनि। तारपर लोकसभा भोटेर जन्य आमादेर कलेज खुले छिलो 18 তারিখ এবং সেই জন্য আমাদের দীর্ঘদিন ধরে ক্লাস হয়নি। সুতরাং আমাদের এই এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে গোটা সিলেবাস কমপ্লিট করা সম্ভব নয়। শিক্ষকরা হয়তো সেটা কমপ্লিট করে দিতে পারবেন কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে পড়াচ্ছেন, কিন্তু আমরা যেহেতু প্রথমবার করছি সুতরাং আমাদের সময় দরকার হবে, ঠিক আছে। এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে অনেক ইউনিভার্সিটি এখানে আছে, যেমন মাকাউট ইউনিভার্সিটি, বিশ্বভারতী, ওপেন ইউনিভার্সিটি, আইআইটি খড়গপুর, এরা অনলাইন এক্সাম কন্ডাক্ট করছেন, কিন্তু সেখানে যদি আমরা অফলাইন এক্সাম দিই তাহলে হয়তো ওরা অনলাইন এক্সামে পাবে 90% এবং আমরা হয়তো অফলাইন এক্সামে 40-50% পাবো। সেখানে আমরা পরবর্তীকালে গিয়ে কমপ্লিট করতে কোনো দিক থেকে ওদের সাথে পারবো না। This summer, boost your energy with Grishmakalin Mela, a summer carnival organized by Centra Mall Asansol. Centra Mall aapke liye laya hai mauj masti ki saugat. Grishmakalin Mela 20 April se 5 May tak. So come with your friends and family and have fun with different modes of entertainment. Mele mein kai stall hai, jin mein jewelry, food stall, fun rides, games, snack stall, kids zone aur bhi bahut kuch. Saath hai musical programs. To apne phone ko kare avoid aur enjoy kare Grishmakalin Mela opposite at Centra Mall सृष्टि नगर आसनसोल। भीषण गर्मी के साथ दक्षिण बंगाल लू की चपेट में है। मौसम विभाग की ओर से लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दक्षिण बंगाल के जिलों में आगामी 28 अप्रैल तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आसनसोल समेत अन्य जिलों में तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर जी के दास द्वारा जारी निर्देश के अनुसार दक्षिण बंगाल के जिले में 28 अप्रैल तक ये स्थिति बनी रहेगी। इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बच्चे, बुजुर्ग या गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को धूप में ना निकलने की सलाह दी गई है। इस भीषण गर्मी में पर्याप्त पानी पिएं, धूप में चेहरा और शरीर ढककर बाहर निकलें, गर्म और अधिक मसालेदार भोजन ना खाएं, धूप से तुरंत आकर ठंडा पानी ना पिएं, नींबू पानी, नारियल पानी, ग्लूकोज, ORS का अधिक सेवन करें और लू की चपेट में आने से बचें। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटी दार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। अगर आप एक जैसा खाना खाकर बोर हो चुके हो और आपको वैरायटी ऑफ फूड चाहिए तो फिर आज ही आए दी पेपरी। यहाँ आपको इंडियन, चाइनीज में हर तरह के डिशेस का टेस्ट मिलेगा। इफ यू आर अ फूडी एंड वांट टू स्पेंड सम टाइम विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, देन वेलकम टू द पेपरी। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो एंड स्विगी एट होम। दी पेपरी, ग्राउंड फ्लोर ऑफ सेंट्रल मॉल, ऑपोजिट बिग बाजार, आसनसोल।